पनीर आप लोग बहुत चाव से खाते हैं और हर तरह से खाते हैं, लेकिन आपके घर में आने वाला पनीर या फिर रेस्टोरेंट में सर्व होने वाला पनीर कितना शुद्ध है या फिर उसमें मिलावट है, यही जानने के लिए आज हम एक पनीर फैक्ट्री में पहुंचे हैं। दिल्ली की नामी डेयरी है और उसके ओनर नितिन हमारे साथ मौजूद हैं। पनीर का असली प्रोसेस क्या होता है बनाने का, वो भी उनसे बातचीत करेंगे और ये जानकारी भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो मिलावटखोर हैं वो किस तरीके से पनीर बनाते हैं। नितिन, सबसे पहला सवाल कि अगर असली पनीर बनाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, वो शुरू से हमें बताएं। असली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले कम से कम दूध होना चाहिए 25 किलो, उसको बॉयल करने के लिए कढ़ाई में डालते हैं, फिर उसको डालने के बाद उसको बॉयल करते हैं, फिर उसके अंदर उसको एक खट्टा पानी होता है जो हम बनाते हैं उसको उसमें डालते हैं, खट्टे पानी से पनीर फाड़ते हैं, फिर पनीर फाड़ने के बाद उसको हम प्रेस करते हैं बाट के ऊपर, मतलब वेट के ऊपर, जो प्रेस हो जाए प्रॉपर तरीके से, फिर वो दब जाए, फिर वो चेक करते हैं कि वो टाइट है लूज है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको बाट हटाते हैं, फिर उसको प्रॉपर तरीके से पनीर रेडी होता है। इस वक्त यहाँ पर पनीर बनाने का ही प्रोसेस चल रहा है और आप यहाँ पर देखिए कि एक तरफ कढ़ाई में यहाँ पर दूध उबाला जा रहा है, यहाँ पर ये कपड़ा भी रख के इसको तैयार कर लिया गया है, इसमें दूध को डाला जाएगा और ये एक तरफ खट्टा पानी यहाँ पर उबल रहा है, इसकी भी इसमें भूमिका हुई क्योंकि जब दूध डाला जाएगा तो उसके अंदर ये खट्टा पानी डाला जाएगा और उसके बाद वो पनीर बनाने का प्रोसेस शुरू होगा। ये प्योर मिल्क है पूरी तरीके से, इसमें आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा भी है और इसके अंदर जब उबाल आ रहा है तो ऊपर से झाग भी आ रहा है क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। लेकिन नितिन, आप चूंकि बहुत दिनों से इस प्रोसेस में है, ऐसी भी चीजें आ रही हैं कि कम फैट वाले दूध में रिफाइंड ऑयल मिलाकर लोग पनीर तैयार करते हैं, ये कैसे होता है? कम फैट वाला दूध जो होता है, जो फुल क्रीम दूध होता है उससे क्रीम निकाल लेते हैं। अच्छा। क्रीम निकालने के बाद वो होता है सेपरेटा दूध, फैटलेस, फिर उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसके अंदर फिर फैटलेस के बॉयल करने से पहले उसके अंदर रिफाइंड वगैरह जो भी है मिला लेते हैं लोग, फिर उसको बॉयल करते हैं, फिर उसको फाड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको प्रेस करेंगे ना वो पनीर बन जाएगा, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता। लेकिन आम उपभोक्ता जो पनीर खरीदता है, आखिरकार उसको ये फर्क कैसे समझ में आया? वो उनके टेस्ट के ऊपर अकॉर्डिंग है, वो कई लोगों को होता है कि सस्ता खाते तो सस्ते मोल हो जाता है, कई लोगों को तो महंगा खाते तो महंगा लगता है, इसके अकॉर्डिंग है। लेकिन स्वाद में मतलब फर्क होता है? स्वाद में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। जो हमारे दूध का सैंपल है वो है 70 का, इसका हम दूध पनीर बनाते हैं, और जो होता है जो सेपरेटा होता है 30 से 35 सैंपल, इसलिए वो जो होता है वो रबड़ की तरह खिंचता है सेपरेटा वाला, आपने खाया भी होगा रेस्टोरेंट वगैरह में, खिंचता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, मुंह में रखते ही घुल जाता है। तो ये एक फर्क है कि अगर हम पनीर को तोड़ कर देखें तो शायद वो ज्यादा अगर लचीलापन है उसमें तो वो मिक्सिंग हो सकती है। हाँ। और जो प्योर पनीर होगा उसका कैसा होगा? वो मुंह में रखते वो घुल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, प्योर पनीर की यही पहचान है। तो ये एक फर्क है जिससे लोग पहचान सकते हैं कि अगर असली पनीर है तो वो आप तोड़ के भी उसको पता लगा सकते हैं कि अगर ज्यादा उसके अंदर लचीलापन है तो उसके अंदर रिफाइंड की मिक्सिंग है, लेकिन अगर शुद्ध पनीर है तो फिर वो आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा या फिर आप हाथ से भी अगर उसको तोड़ेंगे तो वो बिखर जाएगा, इस तरीके से है। तो ये एक पहचान कर सकते हैं उपभोक्ता, जब भी आप पनीर खरीदने जाएं तो आप सावधान होकर जाएं। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।